असलकम माई डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न मैथ्स चैप्टर नंबर सेवन फ्रैक्शंस एक्सरसाइज सेवन सी एंड सेवन डी हमने जो चैप्टर नंबर सेवन का फर्स्ट वीडियो था उसमें सेवन ए और सेवन बी एक्सरसाइज की है इसके लिए आज हम सेवन सी एंड सेवन डी एक्सरसाइज करेंगे सी न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन में न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है वो आज हम देखेंगे मीन्स न्यूमरेटर मीन्स ऊपर का जो होता है जो पार्ट यूजे जो जो ऑल है उसमें से जो पार्ट यूजेबल है उसको न्यूमेरेटर बोलते हैं और डिनोमिनेटर मीन्स जो टोटल पार्ट से उसको डिमोन डिनोमिनेटर बोलते हैं लाइक like, देखो ये रेक्टेंगल देखो उसमें एट स्क्वास है उसमें थ्री स्क्वायर शेडेड है जो शेडेड पार्ट है वो न्यूमरेटर एंड जो ऑल पार्ट है एट स्क्वायर है उसको देन डिनोमिनेटर बोलते हैं अंडरस्टूड ऐसे ये रेक्टेंगल्स देखो आप सेवन तो उसमें जो फोर पार्ट यूजेबल है तो वो न्यूमेरेटर एंड सेवन ऑल है तो वो डिनोमिनेटर अंडरस्टूड नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज सेवन सी कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन फिगर बिलो आ, नीचे आपको देखो यहाँ पे एज एग्जाम्पल आपको ये दिया है फिगर फिल करके दिए है ए मतलब ए वाला जो ये सर्कल है उसको देखकर हमको ये फिल करना है टेबल फिगर क्या है नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स न्यूमरेटर नंबर ऑफ पार्ट्स इन ऑल डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स वन अपॉन सिक्स सो पहले हम ए करेंगे नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स मतलब न्यूमेरेटर कितने हैं इसमें न्यूमेरेटर वन तो यहाँ पे लिखना है वन फिर नंबर ऑफ पार्ट्स इन ऑल मीन्स डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो यहाँ पे लिखना है सिक्स फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स फिर हमको फ्रैक्शन बनाना है पहले न्यूमिनेट न्यूमेरेटर अपॉन डिनिनेटर मीन्स वन अपॉन सिक्स बी यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट कितने हैं वन टू थ्री तो यहाँ पे लिखना है थ्री फिर ऑल वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो यहाँ पे लिखना है सेवन फिर फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट थ्री अपॉन सेवन फिर सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन न्यूमेरेटर सेवन एंड डिनोमिनेटर एट फ्रैक्शन सेवन अपॉन एट अंडरस्टूड डी ई एफ आपको खुद से करना है फिर मैम आपको पी डी एफ सेंड करेगी उसमें से देखना है आपने राइट किया है कि रॉन्ग किया है रॉन्ग किया होगा तो और एक बार ये वीडियो देख कर आपको समझ लेना है कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर कैसे होता है और फ्रैक्शन उसमें कैसे बनता है अंडरस्टूड नाउ Finding fraction. To find half. Sheila has eight quotient, quotients. She want to put half of them on the sofa. How many should she put on the sofa? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Sheila has to put one of two equal parts on the sofa. To, to put the collection in two equal parts, divided by two. एट डिवाइडेड जो शीला है उसके पास एट क्वेश्चन है उसको टू सोफास so में सेट करना है मतलब उसको इक्वली टू पार्ट्स करने हैं तो ऐट टोटल क्वेश्चन फिर टू पार्ट्स करना है तो एट डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू फोर टू फोर जा एट फिर सेकेंड तो four, फ्रैक्शन में कैसे करना है वन अपॉन टू ऑफ एट वन हाफ ऑफ एट इज़ फोर एंड सेकेंड टाइप आपने करेंगे तो वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय एट तो टू का टेबल एट तक बोलना है टू वन सा टू 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 सा टू वन सा टू 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 सा फोर टू थ्री सा सिक्स टू फोर सा एट तो टू और एट को कट करके टू फोर सा एट आंसर इज फोर ऐसे आपको पूरा सम काउंट करना है अंडरस्टूड

मतलब वन हाफ़ यहाँ पे जो डक्स दिए हैं उसको पहले टोटल को काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टोटल टेन है वन हाफ़ मतलब उसका हाफ़ जो है वो हमको कलर करना है पर वन हाफ़ कितने होंगे वो पता नहीं है तो सबसे पहले जो टोटल डक्स है उसको लिखना है टेन डिवाइडेड बाय हाफ़ बताएं मतलब टू टेन डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू फाइव फाइव टू ज ट अंडरस्टूड फिर वन हाफ ऑफ टेन तो टू का टेबल टेन तक बोलना है टू वन जू टू टू जो टू, टू थ्री जिक्स टू फोर सा एट टू फाइव सा टेन सो टू फाइव सा टेन तो आंसर आया फाइव तो फाइव डक्स को कलर करना है फिर बी आ, कितनी बर्ड्स है वन सिक्स से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो ये ट्वेल्व है टोटल ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू सिक्स यहाँ पे मिस्टेक हो गई है फाइव लिख दिया है पर आएगा सिक्स सो वन हाफ ऑफ ट्वेल्व इक्वल टू सिक्स टू का टेबल ट्वेल्व तक बोलना है तो टू सिक्स ट्वेल्व तो हमको सिक्स चीक्स से उसको कलर करना है फिर ये बर्ड्स टोटल बर्ड्स ट्वेंटी है डिवाइडेड बाय तो टू, वन इक्वल टू टेन, तो टेन बर्ड्स को कलर करना है अंडरस्टूड रेस्ट ऑफ ऑल डू इट बाय योर ऐसे ये वन थर्ड का है तो थ्री का टेबल सिक्स तक बोलना है तो थ्री सॉरी थ्री टू तो आंसर टू आया तो, तो टू को कलर करना है यहाँ पे भी जो आंसर आएगा उस उतने एलिफेंट को कलर करना है और यहाँ पे वन फोर्थ करना है वन फोर्थ मतलब वन डिवाइडेड बाय फोर करना है फोर का टेबल ट्वेल्थ तक तो फोर थ्री झा ट्वेल्थ तो थ्री आंसर आया तो थ्री फिशेस को कलर करना है अंडरस्टूड Rest of all, do it by yourself. I hope you all understood. Thank you. JazakAllah. Assalamu Alaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.